चलें जी, जैसे जैसे आएंगे लोग ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, अभी तक हमने पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किया था, और ये इसके सैंपल्स थे, ये रिजल्ट्स थे इसके, ये टेबल आपने बना लिया होगा अभी ना लास्ट टाइम, जो विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के, ये आपने सैंपल्स जो है वो बना लिए होंगे। उसके बाद अगला जो बिटवीन रन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, स्पेशली जब हम बायो एनालिसिस कर रहे होते हैं। बायो एनालिसिस मीन कि जब हम किसी बायोलॉजिकल सैंपल में, प्लाज्मा में या यूरिन सैंपल में या साइनोवियल फ्लूड में या जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है उसके अंदर ड्रग कंसंट्रेशन देखनी है या मिल्क सैंपल है, तो उसमें फिर ड्रग की स्टेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर सैंपल आपने लिया है, ब्लड सैंपल किसी पेशेंट का लिया है और उसके अंदर वो ड्रग है, उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया और वो 24 आवर्स तक पड़ा रहा है, अब क्या 24 आवर्स तक उसके अंदर ड्रग स्टेबल रही है या नहीं रही। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं ड्यूरिंग दी वैलिडेशन। ठीक है, अब सैंपल के साथ और क्या क्या हो सकता है, और हर कंडीशन के अंदर हमने ये देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी रहती है या नहीं रहती, और जिस कंडीशन में स्टेबिलिटी नहीं रहती फिर उस कंडीशन को हम या बाईपास करेंगे ड्यूरिंग दी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, सीक्वेंस क्या चलता है कि हमने सैंपल लिया, पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट कर लिया, और ब्लड सैंपल लेने में और प्लाज्मा सेपरेट करने में 2-3 घंटे गुजर गए, सैंपल लेके रखा हुआ और वो पड़ा हुआ है और प्लाज्मा सेपरेट किया, प्लाज्मा को हम फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में कहीं से कलेक्ट किया सैंपल, वहां से लेके आने में हमें टाइम लग गया और ला के उसको 8 hours 12 hours गुजर गए उसमें, और प्लाज्मा उसी तरह ही है, उसको ना हमने फ्रीज किया है ना कुछ किया है, रूम टेम्परेचर पे ही है और वो ट्रांसपोर्ट होके आ गया, फिर ला के हमने उसको फ्रीज कर दिया प्लाज्मा को। ठीक है, एक तो उसकी ये स्टेबिलिटी कि क्या वो सैंपल लेने से लेके फ्रीज करने तक जितना टाइम गुजर गया उस टाइम के दौरान वो स्टेबल रहा या नहीं रहा। ठीक, फिर हमने उसको फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद हमने उसको अगले दिन एनालिसिस करना है या 10 दिन बाद एनालिसिस करना है या 1 महीने बाद एनालिसिस करना है। ठीक है, सम टाइम होता है कि हमने 50 सैंपल ले लिए और एक दिन में 4 या 5 सैंपल हो रहे हैं, तो जो पड़े रहे हैं वो फ्रीज फ्रोजन फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब कितनी देर तक फ्रीज करे पड़े रहेंगे उसको भी हम चेक करते हैं कि एक ब्लड सैंपल या एक जो जो प्लाज्मा सैंपल है या सीरम सैंपल है वो उसके अंदर ड्रग, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए हमने उसको फ्रीज किया हुआ है या 3 मंथ के लिए फ्रीज करना पड़ता है, तो क्या 3 मंथ के बाद ड्रग कंसंट्रेशन वही रहेगी या चेंज हो चुकी होगी, ड्रग स्टेबल है या नहीं है इतनी देर फ्रीज करके रखते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक होती है चीज के, जी हमने ब्लड सैंपल जो जो सॉरी प्लाज्मा सैंपल लिया हुआ है उसको फ्रीज किया हुआ है, उसमें से उसको हमने निकाल के बाहर रखा है, उसको थॉ किया है, थॉ मीन के उसको डिफ्रोस्ट जिसे आप कहते हैं साइंटिफिकली, इसको थॉ कहते हैं DHAW, उसको थॉ किया है और उसके बाद फिर दोबारा फ्रीज करना पड़ गया है। ठीक है, फ्रीज करके रख दिया है, पहले इसको लिया है, उसको थॉ किया है, फिर फ्रीज किया है, फिर उसको निकाला है, फिर उसको थॉ किया है, और समटाइम इसको दोबारा फ्रीज करना पड़ता है, तो 3-4 दफा उसको फ्रीज और थॉ करने से ब्लड की ड्रग की स्टेबिलिटी कैसी रहती है। ठीक है, फिर एक कंडीशन ये होती है कि हमने ड्रग की एक्सट्रैक्शन कर ली हुई है, एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस आपने खुद अपने हाथ से किया हुआ है सबने ना, कि ड्रग में हमने कोई परक्लोरिक एसिड डाला है या एसीटोनिट्राइल डाला है, उसमें से ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्शन के बाद उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया उसके अंदर मोबाइल केस के अंदर या उसको जैसे भी करना था उसको, अब सैंपल हमने प्रिपेयर कर लिया हुआ है, फिनिश्ड सैंपल है, रेडी टू रन है, और वो सैंपल पड़ा रहा है हमारा 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर कंटिन्यूसली रन लगाना है और एक दिन में हमने 10 सैंपल रन करने हैं, तो उसके लिए पहले हमें कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सैंपल रन करने पड़ेंगे, फिर 2 क्वालिटी कंट्रोल रन करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर सैंपल की बारी आएगी, तो मे बी 4-5 घंटे गुजर जाए इस काम में, तो 4-5 घंटे के लिए जो एक फिनिश्ड सैंपल है, रेडी टू रन सैंपल है, क्या वो उतनी देर के लिए स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं सारे के सारे स्टेबिलिटी फैक्टर्स को ड्यूरिंग द वैलिडेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग हम किस किस तरह चेक करते हैं, ठीक है, फ्रीज एंड थॉ स्टेबिलिटी करते हैं इसमें, ठीक है, इनके प्रोटोकॉल करते हैं 1 by 1। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मीन के हमने फ्रीज कर दिया हुआ सैंपल और फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ उसको देखते हैं कि 6 मंथ तक हमने फ्रीज करके रखा, उसके बाद निकाल के उस सैंपल को हमने उसके अंदर कंसंट्रेशन चेक की तो वो कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड सैंपल अंडर स्टोरेज कंडीशंस। प्रोसेस्ड सैंपल मीन के जो सैंपल हमने
बना लिया हुआ है जिसको सिर्फ एचपीएलसी पर रन करना है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर सके। ठीक है, आज हमने सैंपल बना लिए और टाइम खत्म हो गया है, लाइट चली गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गई, मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें कहीं जाना पड़ गया और सैंपल हमने बनाया हुआ है उसको हमने फ्रीजर के उसके अंदर रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया या रूम टेम्परेचर में रख दिया, अगले दिन आगे एनालिसिस किया। ठीक है, अगले दिन आगे जब हम एनालिसिस करेंगे तो क्या उसके अंदर वो कंसंट्रेशन वही मौजूद होगी जो हमने उसके अंदर डाली थी या जो उसके अंदर होनी चाहिए थी सैंपल में, या फिर वो कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी उसकी प्रोसेस्ड सैंपल के अंदर कैसी है। फिर ऑन इंस्ट्रूमेंट स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस सैंपल। ऑन इंस्ट्रूमेंट मीन कि हमने मैंने आपको वो दिखाई थी ट्रे जो एसपीएलसी में थी, उसके अंदर एट ए टाइम 100 सैंपल रखे जा सकते हैं। यानी अगर हम 100 सैंपल रख के उसके अंदर 100 सैंपल का सीक्वेंस लगा के तो चले जाएं और उसके अंदर मोबाइल पे जितनी होगी वो उसको एनालिसिस कर सके, तो वो चलते रहेंगे सैंपल। अब एक सैंपल अभी रन हुआ है, एक सैंपल की बारी आएगी 10 घंटे के बाद अगर 100 चलने हैं तो, लेकिन 10 घंटे वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पड़ा रहा है, तो क्या इंस्ट्रूमेंट में पड़े रहने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी या वो सैंपल जो है उसके अंदर जो ड्रग है वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, इस चीज को भी हम वेरीफाई करते हैं ड्यूरिंग स्टेबिलिटी स्टडी। ठीक है जी, ये समझ आ गई कि स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं। यस सर जी, आगे चले। फ्रीज एंड थॉ स्टेबिलिटी, इसका प्रोटोकॉल क्या है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम सिर्फ दो लेवल पे बनाते हैं, पहले हमने चार लेवल बनाए थे, हायर क्वालिटी कंट्रोल, मीडियम क्वालिटी कंट्रोल, लोअर क्वालिटी कंट्रोल और लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, चार तरह के सैंपल बनाए। इसमें हम सिर्फ दो सैंपल्स करते हैं, हायर क्वालिटी कंट्रोल और लोअर क्वालिटी कंट्रोल। यानी हमारे इस जिस पैटर्न को लेके हम चल रहे हैं, इस केस में 50 मिलीग्राम पर लीटर और 2 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, अच्छा, आफ्टर कंप्लीट थॉइंग, अच्छा, द क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स आर स्टोर्ड एंड फ्रोजन इन द फ्रीजर एट इंटेंडेड टेम्परेचर एंड देयर आफ्टर थॉड एट रूम और प्रोसेसिंग टेम्परेचर। फ्रीज किया उसको फिर थॉ कर दिया, आफ्टर कंप्लीट थॉइंग सैंपल्स आर रीफ्रोजन अगेन अप्लाइंग द सेम कंडीशन। थॉ किया उसको, फिर उसको फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, एट ईच साइकिल सैंपल शुड बी फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर दे आर थॉड। ठीक है, हमने उसको सैंपल को फ्रीजर में रखा, यानी बेसिकली हम सैंपल को स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है ना, फ्रीज और थॉ का स्ट्रेस दे रहे हैं कि फ्रीज करके थॉ करने से फिर थॉ करने से सैंपल को ऊपर क्या इफेक्ट आता है इस जो है एक्टिविटी का या इस स्ट्रेस का। एट ईच साइकिल सैंपल शुड बी फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 12 आवर, 12 घंटे के लिए उसको फ्रीज करना है दोबारा, फिर उसको निकाल के थॉ करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन फ्रीज थॉ स्टेबिलिटी शुड इक्वल आर एक्सीड दैट ऑफ द फ्रीज थॉ साइकिल्स ऑफ द स्टडी सैंपल। यानी अगर हमें पता है कि हमने एक सैंपल जो है वो कमालिया से हमने कलेक्ट करना है, ठीक है, अब वहां से ले गए लाहौर में आने में, अब जिस बंदे ने उधर से सैंपल लिया है वो उस दिन नहीं आ सकता, उसने रात के टाइम सैंपल लिया है, फिर उसने वो अगले दिन फिर सैंपल लेने हैं, तो आज उसने सैंपल लिया प्लाज्मा सेपरेट करके उसको स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब उसने वहां से लेके तो आना है, तो जब वो वहां से पहले उसको फ्रीज कर देगा अपने पास, जब वो वहां से लेके निकलेगा तो दोबारा रास्ते में जो सैंपल्स हैं वो थॉ हो जाएंगे, यहाँ पे ला के फिर वो फ्रीज करेगा दोबारा, फिर जब उसको एनालिसिस करने के लिए निकालेगा फिर थॉ करेगा, फिर हो सकता है कि उसको किसी वजह से उसको फ्रीज करना पड़े, फिर उसको थॉ करना पड़े, तो दो तीन दफा उसको फ्रीज और थॉ करना पड़ गया सैंपल। तो ये बेसिकली स्टडी सैंपल्स में जितनी एक्सपेक्टेड होता है कि जिसको इतनी दफा फ्रीज और थॉ करना पड़ेगा सैंपल्स को, उतनी दफा या उससे एक दफा ज्यादा हम फ्रीज थॉ का स्ट्रेस देते हैं इसको सैंपल को। ठीक है, होता क्या है कि तीन सैंपल लिया हमने, फ्रीज किया उसको, थॉ किया रूम टेम्परेचर पे, या अगर किसी ने वाटर के अंदर रख के करते हैं उसको टैप वाटर के अंदर रख के, जिस तरह भी उसको थॉ किया, थॉ करने के बाद उसको दोबारा फ्रीज कर दिया, कुछ भी नहीं किया उसको। ठीक है, फिर उसको फ्रीज करना है एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए, 12 आवर तक फ्रीज करने के बाद फिर उसको निकाला, फिर उसको थॉ किया, जब सारे का सारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया दोबारा उसको फ्रीज कर दिया 12 आवर, तो फिर उसको निकाला, तो तीन से चार जो है ना वो फ्रीज थॉ साइकिल देते हैं, उसके बाद फिर हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स आर एनालाइज्ड अगेंस्ट ए कैलिब्रेशन कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेशली स्पाइक्ड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स एंड द ऑब्टेन्ड कंसंट्रेशंस आर कंपेयर्ड टू द नॉमिनल कंसंट्रेशन। क्वालिटी कंट्रोल सैंपल हम दो बनाते हैं, हाई क्वालिटी कंट्रोल और लो क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, हमने सैंपल ये सपोज 10 दिन पहले बनाए थे, उसको
फ्रीज था साइकिल देने में 10 दिन गुजर गए हमें, या चले 3 दिन पहले बनाए थे, 3 दिन मुसलसल हमने फ्रीज था साइकिल दी। अब उनके लिए हमने जो कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करना है, जिस कैलिब्रेशन कर्व से हमने उनको उनकी कंसल्टेशन फाइंड करनी है, वो फ्रेशली प्रिपेयर कर। ये नहीं कि कैलिब्रेशन वाले सैंपल भी हमने 3 4 दिन पहले बना के रख दिए थे, वो भी साथ साथ फ्रीज थाव कर रहे हैं। अगर वो भी साथ साथ फ्रीज थाव कर रहे हैं, उनके अंदर भी स्टेबिलिटी फिर उसी तरह की होगी, फिर कोई पता नहीं चलेगा। कैलिब्रेशन कर फ्रेशली बनाना है हमने, और जो सैंपल्स है वो हमने पूरा प्रोसेस करके उसके बाद फिर उनको फ्रेशली प्रिपेयर कैलिब्रेशन कर वाले सैंपल के साथ हमने फ्रीज थाव वाले सैंपल्स को कंपेयर करना है, और उनमें कंसंट्रेशन देखनी है कि कितनी है। ठीक है, तो द मीन कंसंट्रेशन एट ईच लेवल शुड बी विद इन प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल कंसंट्रेशन। तो उनके अंदर जो मीन कंसंट्रेशन है वो 15% के ऊपर इसकी रेंज में होनी चाहिए। अच्छा, सैंपल इसमें 2 बनाएंगे, सॉरी ये 0.5 लिखा हुआ है, 2 mg/L बनाएंगे। ठीक है, 3 ml ज्यादा सैंपल बना लें। ठीक है, या इनके 5 5 सैंपल बनाने हैं। हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 5 सैंपल हायर क्वालिटी कंट्रोल के, 5 सैंपल लोअर क्वालिटी कंट्रोल के। ठीक है, उन सबको अलग अलग आपने फ्रीज करना है और थॉ करना है, फ्रीज करके रखना है। ठीक है, फिर स्टोरेज टेम्परेचर -20 डिग्री फ्रीज करना है उसको, और फिर 5 रन आफ्टर 4 फ्रीज एंड था साइकिल। 5 रन मीन के 5 दफा, यानी 5 अगर आपने सैंपल बनाए हैं तो उसको 3 या 4 दफा फ्रीज था का जो स्ट्रेस देगी, उसके बाद आपने इसके अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है 5 रेप्लिकेट्स में, और फिर उनका आपने मीन लेना है, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक करना है, और वो विद इन प्लस माइनस 15% फॉर मीन परसेंटेज रिकवरी, और विद इन इक्वल टू और लेस देन 15% उसका जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसकी प्रिसीजन के लिए। ठीक है, रिजल्ट इस तरह आपने फिर इसके प्रेजेंट करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले कर रहे हैं कि 5 के नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, 50 mg/L, 2 mg/L मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कंसंट्रेशन फाउंड mg/L में, मीन परसेंटेज फाउंड कोफिशिएंट ऑफ। अब हम आ जाते हैं एक्सेल पे, बिल्कुल उसी तरह ही है ये भी। ये मैंने बना दी हुई है शीट इसके, आपके रिजल्ट्स क्योंकि एनालिसिस तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैलिडेशन कर रहे हैं। तो ये कंसंट्रेशन है, ये पीक एरिया है। ठीक है, मेरे ख्याल में मुझे ये करके बताने की अब जरूरत नहीं है, क्या ख्याल है? इसके अंदर मैंने ये 2 टेबल बना दिए हुए हैं, 50 वाला भी, यानी 50 के जो 5 सैंपल थे उन सब के अंदर कंसंट्रेशन जो पीक एरियाज उनके ये आए हैं, जो 2 वाले उन सब के पीक एरियाज ये आए हैं, इन सब का आपने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और परसेंटेज मीन। ठीक है, ये चेक करने हैं, और फिर आपने ये कॉपी के अंदर इसको आपने उसी तरह लिखना है, लाइनों वाले पेज पे वही इसका प्रोटोकॉल स्टेबिलिटी के ऊपर लिखना है आपने, फ्रीज थाव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ये उसका जो है रिजल्ट जो इसके आपने बना के तो टेबल के अंदर डालने हैं। ठीक है जी, कोई इसमें क्वेश्चन अभी तक? नो सर। ठीक है, फिर चलें। ये वाली जो पहले, ये वही वाली जो एक्सेल की शीट है, इसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिया फ्रीज एंड थॉ स्टेबिलिटी। ठीक है, पहले वाले भी इसी के अंदर ही है सारा। तो उसी वाली फाइल जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी, मैं जो पहले वाली होती है वो सारी स्लाइड्स होती हैं, तो जो लेटेस्ट अपलोड होता है वो आप उसी को रखा करें। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ उसमें पहले वाले लेक्चर में 10 स्लाइड्स थी, अगले वाले में 15 हो गई, तो वो 15 वाली सारी की सारी मैं अपलोड की होती हैं, पूरी की पूरी पीपीटी जो है ना वो वाले वो फाइल, तो जो यानी एक ही फाइल अपडेट होती जा रही है, जो सबसे एंड पे यानी जिस आज वाला लेक्चर अपडेट करूंगा तो वो उसमें बायोक्लास वाले पुरानी सारी स्लाइड्स उसके अंदर ही होती। चले ठीक है, फिर ये आप इसको परफॉर्म कर लीजिएगा खुद कैलकुलेशन, मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशन मैंने सिखाती हुई है आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको आती होंगी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप 2 मिनट में करके तो इसको फारिग हो जाएंगे। सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है, डोज टेपरिंग हम कैसे करते हैं? अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट है वो नेबिवोलोल ले रहा है, तो उसको हमने अब जो है वो अब छुड़वानी है या दवाई, तो हम किस तरह से डोज टेपरिंग करेंगे डोज कि एकदम टेपरिंग से में ये है कहीं? कि फॉर एग्जांपल वो पेशेंट अगर है वो एक दिन में 4 टेबलेट्स ले रहा है, ठीक एक ही है, अगर ले रहा है तो मतलब फर्ज करें एक ही ले रहा है अगर, ठीक है, एक ही ले रहा है, तो उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो रात के टाइम ले रहा है,
या आफ्टर 12 आवर ले रहा है फॉर एग्जांपल कि एक दिन में वो दो दफा टैबलेट्स ले रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक दिन में दो टैबलेट्स ले रहा है, अगले दिन फिर उसको एक टैबलेट दे दी, अगले दिन फिर दो दे दी, फिर एक दे दी, यानी एक दिन हमने एक टैबलेट कम कर दी, फिर तीन चार दिन के बाद उसकी फिर एक टैबलेट और कम कर देंगे, फिर वो कंटिन्यूसली डेली एक टैबलेट पे आ जाएगा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक दिन छोड़ के टैबलेट देनी शुरू कर देंगे उसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दो दिन छोड़ के टैबलेट देनी शुरू कर देंगे, फिर तीन और दिन अगर के एक ही ले रहा है तो सर ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी डोज कम कर दें, लाइक अगर 50 mg की है तो 25 mg कर दें, और फिर अगर 25 mg में वो अवेलेबल है तो फिर इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन अगर वो 50 mg ले रहा है तो अगर 25 mg में अवेलेबल है वही वाली टैबलेट तो वो फिर 25 mg फौरन नहीं आएगा, 50 mg से वो एक दिन 50 mg अगर ले रहा है तो अगले दिन वो 25 mg लेगा, फिर वो 25 mg यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको 25 mg तीन चार दिन लेने के बाद फिर वो उसको एक दिन छोड़ के आ जाएगा, मीन के वो फिर डेली आप कह सकते हैं कि 12.5 mg कितने वीक्स में करते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी हाफ ड्रग की हाफ लाइफ पे भी डिपेंड करती है ये चीज टैपिंग पे कि वो कंसंट्रेशन कितनी, एकदम से अगर कंसंट्रेशन कम आएगी जो रिसेप्टर्स उसके जो है वो यूज टू हो चुके हैं उस ड्रग के लिए, वो सारे का सारा उसकी टॉक्सिसिटी होगी विड्रॉल ऑफ द ड्रग एब्रप्ट विड्रॉल से, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जब लेवल कम होता जाएगा तो वो फिर रिसेप्टर जो है वो भी उसी तरह टेपरिंग की वजह से उनकी जो है उनको उनके साइट ऑफ एक्शन से कंसंट्रेशन कम होगी और उसका टॉक्सिसिटी या उसके जो विड्रॉल इफेक्ट्स हैं विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कम आएंगे। सर अगर एक ही मेडिसिन है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि एक दिन छोड़ के ले लें उसके बाद फिर एक दिन बाद दे दें और फिर या फिर दो दिन, वही ना अगर डोज ज्यादा ले रहे हैं पहले तो डोज कम करें एक दिन में, फिर जब डोज कम डोज के ऊपर वो स्टेबल हो गया डेली फिर एक दिन कम कर दें, ठीक है यानी 50 से 25 पे ले आए, 25 से फिर एक दिन छोड़ के 25 पे ले आए, फिर दो दिन छोड़ के ले आए, अगर उससे कम वाली डोज का अवेलेबल है तो फिर उस पे शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर सर अगर कम वाली डोज अवेलेबल ना हो तो फिर हम मतलब किस तरह करेंगे, मैं वो पूछना चाहती थी कि मतलब फिर हम डेज की ड्यूरेशन इंक्रीज कर दें, डेज की ड्यूरेशन इंक्रीज इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज अगर सुबह उसने टैबलेट ली है अगले दिन उसने सुबह लेनी थी सुबह की बजाय अगले दिन शाम को दे दें उसे, ओके सर, यानी अगर वो 24 घंटे के डिफरेंस से ले रहा है तो उसको 36 घंटे का डिफरेंस कर दें, ओके सर 36 घंटे से 48 घंटे का कर दें, 36 घंटे पे तीन चार डोजेस दे के उसको 48 आवर्स का डिफरेंस दे दें, वो तीन चार डोजेस दे के फिर उस तरह टेपरिंग इस तरह होती है डोज, ठीक है ओके चलें ठीक है जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल फिर दोबारा नया लेक्चर शुरू करें।